अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। सोशल स्टडी की बुक्स खोले, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 78। आज हमने रीडिंग करनी है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ाई झगड़े के मुमकिना नताइज। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नताइज। चलिए मैं रीडिंग करने लगी हूँ, आप देखें बुक की तरफ। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्वर्ड फाइटिंग मे बी डेंजरस एंड हार्मफुल। दे कॉज एंगर, मेंटल टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर गिवन बिलो। यानी कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बहुत से जहनी जो है ये इंतशार पैदा होता है, मेंटल टेंशन होती है, जहनी परेशानी और दूसरी प्रॉब्लम्स जो है ये खड़ी होती हैं। इसके जो असरात हैं वो देखें आप। सबसे पहले है मेंटल स्ट्रेस, यानी जहनी दबाव। कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ लाइफ। मेंटल स्ट्रेस, जहनी दबाव जो है ये होता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और पीस की जिंदगी को, पूरा अमन जिंदगी को तबाह कर देता है। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना। डिस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस आर डिक्रीज्ड। इट हार्म्स डेमोक्रेसी, इन्वेस्टर्स अवॉइडिंग इन्वेस्टिंग देयर। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये डिस्टर्ब करता है सोसाइटी को, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोग्रेस जो होती है ये कम हो जाती है। इन्वेस्टर जो है ये इन्वेस्ट करने से गुरेज करता है, और इससे डेमोक्रेसी, जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम बाद में इसकी रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।